आप सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी के ऐसे शब्द देखेंगे जिसको लिखते और उच्चारण करते समय हम गलती कर बैठते हैं। भले हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको हमको उच्चारण और लेखन की दृष्टि से हम अशुद्ध कर बैठते हैं। जैसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द दिया हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल है, अनधिकार है, तो ऐसे बहुत सारा शब्द है जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। तो सभी शब्दों को आप लोग बारीकी से देखिएगा, है ना। जैसे सदृश, सदृश्य, दुनिया, दुनियों, कर्तव्य, कर्तव्य, ये सब शब्द दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, है ना। और जैसे दिया हुआ है शुद्ध और अशुद्ध में छिपकली, छिपकली होता है, छिपकली नहीं होता है। जैसे दुख, दु और वो विसर्ग का चिन्ह रहेगा और ख रहेगा, ठीक वैसे ही एकत्र होता है, एकत्रित नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारा शब्द है जो हिंदी का है, है ना, और हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं और उसको अशुद्ध लिख डालते हैं। तो ये समस्त शब्दावली है, सभी शब्दावलियों को आप सबको ध्यान में रखना है। दिवाली, है ना, दिवाली, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, ग्रसित होता है, ग्रस्त नहीं होता है। पहले, पहले होता है, पहले नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। तो ये सब शब्द है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। निर्दोष, निर्दोषी, गांव, गांव में देखो ये अनुस्वार और चंद्रबिंदु के साथ है, है ना, दांत में भी है, ठीक है। तो ये सब शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। इसी शब्दों का ज्ञान यदि हमको रहेगा तो हम अपने हिंदी, जिसको हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, है ना, सही रूप में जो है इसको हम लिख पाएंगे। तो इन समस्त शब्दावलियों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे एक दिया हुआ है शब्द आपके सामने, आंगन, है ना, चंद्रबिंदु के साथ रहेगा और आंगन वो अलग शब्द है। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो को देखने के लिए CP हिंदी क्लासेस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर